खदमत में मसरूफ है आप उनके सरमन्स को पैम्फ्रेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर आप टेम्पल ऑफ गॉड टीवी को सब्सक्राइब करके उसके जरिए टीचिंग सरमन्स और प्रस्तृत को इन्जॉय कर सकते हैं नाजिन जैसा कि आपने गुज्त एपिसोड को देखा जो कि क्रिस्टोलॉजी के, के हवाले से शुरू की गई है इलमसी नॉलेज ऑफ क्राइस्ट और उसको आपने खूब पसंद किया और उससे गहरी बातों और मुकाशवात को आपने जाना और इसी हवाले से ये आज हमारा सेकंड एपिसोड है और इसके अंदर जिस तरह रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने सलीबी कलमात के हवाले से और नविश्तों के हवाले से तलीम को दिया है और एक स्केज भी आपको इसमें बताया गया है जो कि 19 फरवरी से लेकर 2 अप्रैल तक ये जुमे के रोज 8 बजे आप इसको देख सकेंगे जिसमें रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामड़न इस हवाले से तलीम को देंगे और जो हमारा मेन टॉपिक है जिसके बारे में टीचिंग दी जा रही है वो है क्रॉस एंड सेइंग्स राइटिंग्स सलीब और सात कलमात नविश्ते आज जिस कलमे के हवाला से टीचिंग हासिल की जाएगी वो है सेकंड सेइंग राइटिंग दूसरा कलमा नविश्ता नाजिन अब हम एक रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे जो कि दूसरे कलमे और नविश्ता के हवाला से नाज़िन आपने रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखा जो कि दूसरे कलमा और नविता के हवाला से था और आज इस हवाला से दो क्वेश्चन हम डॉक्टर कामरण से करेंगे पहला क्वेश्चन होगा दूसरे कलमा में मसी ने डाकू से कहा तू आज मेरे साथ फरदौस में यानी पैराडाइज़ में होगा इसलिए फरदौस का मुकाशवा और दरमियानी मेडिटर का मुकाशवा बताएं और नविता के मुताबिक कथाकारों में शुमार किया गया का मुकाशफा बताएं और सलीब पर जो कुत्तबा लिखा गया एनरी यानी आई एन आर आई का मतलब भी बताएं इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा दूसरे कलमा के नवेक्षता के मुताबिक ये साया त्रिपन बाप में लिखा कि उसने बहुतों के गुना उठा लिए यानी डॉक्टर ऑफ सब्सिट्यूट का मुकाशफा बताएं और खादो मुकदसों के लिए इसमें क्या सबक है अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रैबेड डॉक्टर विल्सन काम से लेंगे जी पास थैंक यू साइमन अभी जो आपने दो क्वेश्चन किए हैं सेकेंड सेंग के हवाला से पहले मैं उसके दो रेफरेंसेस पढ़ूंगा लुका की अंजील तेईसवां बाप और उसकी तरतालीसवीं आयत उसने उससे कहा मैं तुझे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिर दोस्त में होगा और ये साया बाब बाप उसकी बारहवीं आयत का बी पार्ट और वो खताकारों के साथ शुमार किया गया तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शिफायत की प्रेस लॉर्ड बिलीवर्स अभी जो दो हवाला जात पढ़े गए हैं सेकेंड सेंग के हवाला से और जो क्रिस्टोलॉजी के हवाला से हमारा ये दूसरा एपिसोड है और क्रिस्टोलॉजी ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस जिसका मतलब क्राइस्ट और ग्रीक वर्ड लॉजी जिसका मतलब नॉलेज तो नॉलेज ऑफ क्राइस्ट के हवाला से, इल्वल सेलोलमसी की ये सारी डॉक्टर आप तक लाई जा रही है और इन दिनों के अंदर क्राइस्ट की जात के हवाला से और अहम रेवलेशन क्रॉस और सेवन सेंग के हवाला से दिए जाएंगे और जैसा कि इसका स्कल बताया गया है कि 19 फ़रवरी से सेकेंड अप्रैल तक जी सेवन सेंग्स हर फ्राइडे इसकी मैं टीचिंग दूंगा और एक जो 19 फ़रवरी को मैंने टीचिंग दी है फॉर सेंग के ऊपर आपने उसको सुना जो फॉरगिवनेस के हवाला से इंटरसेक्शन और लव के हवाला से थी आज जो टीचिंग दी जाएगी जैसा कि हमारा टॉपिक क्रॉस और सेवन सेंग्स राइटिंग्स हैं दूसरा कलमा दूसरा निविशता जो है उसके हवाला से मैं डिटेल टीचिंग दूंगा और जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया कि ये होली स्पिरिट ने मुझे मेरे दिल पे ये बोझ डाला कि मैं डिटेल के साथ इन सारी सेंग्स के ऊपर टीचिंग दूँ क्योंकि गुड फ्राइडे के अंदर शॉर्ट तालीम दी जाती है और भरपूर तरीके से इन सारे सेशन में आप जो टीचिंग सुनेंगे इससे आप बरकत पाएंगे दुनिया के खादम के बिलीवर्स ताकि एक अहम सलीब का मैसेज जो हमें इस्क्रॉस के ऊपर मिलता है और ज़रूरी है कि जो नविश्ते पीछे लिखे गए हैं वो स्लीप के ऊपर क्राइस्ट ने कहे जो और और जैसा तिरपन बाप में हम पढ़ते हैं कि वो उसे भेड़ की तरह ज़िबा करने को ले गए और वो उनके सामने खामोश रहा और अपनी जबान को ना खोला मगर जब क्रॉस के ऊपर अपनी जान कुर्बान कर रहा था तो उसने उस तकलीफ के अंदर दुख के अंदर अपनी ज़बान को खोला ताकि वह नविश्ते जो टेस्टमेंट के अंदर क्राइस्ट के हवाला से क्रॉस के हवाला से मेरी आपकी निजात और बरकत के हवाला से लिखे हैं वो पूरे हूँ और क्राइस्ट ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपने मिशन को पूरा किया और हर सेंग जो बोली गई ताकि स्लीप का रियल मैसेज हम तक पहुँचे और बाइबल मुकदस के अंदर पत्र लिखता है अपने खत के अंदर कि हमारी खलासी फानी चीज़ों सोने चांदी से नहीं हुई बल्कि बेशकीमत बड़ के खून से क्राइस्ट के ब्लड से हुई है और आगे लिखता है उसका इल्म तो बनाए आलम से पेशर था मगर जहूर आखिरी ज़माना में हुआ और रेवल्यूशन की किताब के अंदर भी हम पढ़ते हैं कि वो बनाए आलम से बा किया हुआ बर है और ये सलीब और सलीब का मैसेज अजल से खुदा के प्रोग्राम के अंदर जो था और तमाम नविश्ते नबियों के जरिए से ब्रीवर्स लिखवाए गए पासुसा वो क्रॉस के ऊपर पूरे होने ज़रूर थे इसलिए जब कलमा प्रीच किया जाता है टीच किया जाता है तो उसके साथ नविश्ता का बताना और नविश्ता की सारी जो टीचिंग है वो देनी बड़ी जरूरी है और बाइबल बाइबुल्कदस में है वो खात्मा लिखा स्लीप का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफ़ी मगर हम नजात पाने वालों के लिए उसकी कुदरत है तो बिलीवर्स आप जानिए कि क्रॉस और ये सेइंग्स सेंगे कितना जरूरी है नवितों को हम जाने समझे ताकि सलीफ के पैगाम को समझ सके बात, में कहता है। ये बात मुझे से पहुंची कि ये मुकदस के मुताबिक के मुताबिक दफन हुआ और किताब मुकदस के मुताबिक तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा तो ये क्रॉस और सेवन सें नवितों की तालीम का भरपूर हमें नॉलेज हो कि क्राइस्ट ने किस तरह क्रॉस के ऊपर तकलीफ की हालत में दुख की हालत में जबकि उसका बदन सलीब के ऊपर लटका है कीलों के साथ मेखें उसके हाथ पाँव में गड़ी हैं और उसके सर के ऊपर कांटों का ताज और सारी यहूदियों और रोमन कोर्ट के अंदर उसने गुजारी भूखा प्यासा मगर इस तकलीफ़ की हालत के अंदर क्रॉस के ऊपर जैसे पहले नविश्ते के अंदर उसने फॉरगिवनेस के हवाला से मैंने बताया माफ़ी दी और वो नविता हम जिस की किताब के अंदर से पढ़ा और आज भी जो सेकंड सैंग के दो हवाला जात पहले पढ़े हैं एक जो कलमा सलीब के ऊपर बोला गया कि तू आज ही मेरे साथ फिर पे होगा और निविशता ये साया की किताब त्रिपन बाप की बारहवीं आज का भी पार्ट पहले पढ़ा कि वो खताकारों में शुमार किया गया और उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और जो उसका लास्ट पार्ट है कि उसने शिफायत की वो लास्ट टाइम वो नविश्ता का हिस्सा पूरा हुआ पर आज वही नविष्टा है मगर उसका जो पहले दो पार्ट है उसके ऊपर टीचिंग दी जाएगी और उसमें कि वो खताकारों में शुमार किया गया तो ये नविष्टा जो है इसके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं और दूसरी बात सब्सिट्यूट के हवाला से कि उसने बहुतों के, के गुनाह उठा लिए तो इस कलमे और नविता के अंदर जो तीन डॉक्टर मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिट्यूट डॉक्ट्रिन ऑफ पैराडाइज डॉक्ट्रिन ऑफ मीडिएटर के हवाला से होना दूसरा फिर हवाला से और तीसरा सालसी के हवाला से दरमियानी के हवाला से यह टीचिंग दी जाएगी तो ये तीन अहम डॉक्ट्रिन इस सेकंड कलमे के अंदर इस सेकंड नविश्ते के अंदर जानना बड़ा जरूरी है और ये दोनों हवाला जात मैंने पढ़े हैं पहले तो मैं पैराडाइज के हवाला से और मेडिएटर के हवाला से डॉक्टर ने दूंगा पर साथ ही हमें ये पता हो कि निविष्टा के अंदर जो बात कही गई कि वो खताकारों में शुमार किया गया तो ये निविष्टा जो हमें बाइबल मुकदस के अंदर शरीफ के ऊपर यसु ने जब ये कलमा बोला तो वो खताकारों में शुमार किया गया और तो मरकज़ की जेल में आप पढ़ेंगे कि वो बदकारों के अंदर गिना गया आप युना की अंजील के अंदर पढ़ेंगे कि वो दो डाकुओं के बीच में था तो ये एक शुमार डाकुओं के बीच के अंदर हमें मिलता है और गलगत्ता खोपड़ी के मकाम पर कलवरी के मकाम के ऊपर जो गलगत्ता वर्ड इसका मतलब है स्कल खोपड़ी ये खोपड़ी नमा पहाड़ी के ऊपर यीशु मसीह को मसलूब किया गया और तीन सलीबें वहां पर गाड़ी गई तो ये जो तीन साइमन क्रॉस वहां पर हमें मिलती हैं तो इन तीन क्रॉस के अंदर जो दो क्रॉस हमें एक दाएं एक बाएं क्रॉस मिलती है और सेंटर की जो क्रॉस है उसके ऊपर क्राइस को मसलूब किया गया तो ये तीन सलीबों का इकट्ठा होना गोया जो मसीह के दाएं बाएं डाकू थे बदकार लटकाए गए थे तो नविता के मुताबिक उसका शुमार खताकारों के अंदर किया गया तो इस तरतीब से ये क्रॉस वहां पर हमें नजर आती है जो मेलाफैक्टर्स जो दाएं बाएं लटके हुए हैं खताकार बदकार इनको जो मरकज की जेल में जब आप पढ़ते जूना की जेल में तो वहाँ डाकू कहा गया है और जब लूका की जेल के अंदर आप पढ़े तो वहां बदकार कहा गया है और जब पीछे आप जो नविश्ता के अंदर पढ़े तो वो खताकारों के दरमियान शुमार किया गया तो ये खताकार बदकार उस वक्त के ये ऐसे बदकार लोग थे खताकार लोग थे किडनेपर थे और रेप करने वाले थे और हर तरह की चोरी डकेती यानी ये बड़े सीरियस जो क्राइम थे उनके अंदर ये इन्वॉल्व थे जिनकी सजा जो उनको दी गई पनिशमेंट जो दी गई वो डेथ की पनिशमेंट थी और वो क्रॉस के ऊपर लटकाए गए जैसा मैंने बताया कि ये इस तरीके से तरतीब दिया गया सलीबों को तो गोया खताकारों के साथ दरमियान में क्राइस को भी उन्होंने मसलूब किया गया उन्होंने तो बिलीवर्स गौर से सुनिएगा कि यहूदियों ने इसलिए बदकारों के साथ यसु मसीह को मसलूब करने के लिए ले गए और उसकी क्रॉस दरमियान के अंदर रखी ताकि उसका शुमार ये बताया जाए कि कितना बड़ा क्राइम जो है उन्हीं की तरह जो बदकार जो मैनफेक्टर साथ दाएं बाएं हैं उनके बीच में उन्हीं की तरह क्राइस का कोई जुर्म है और इसने कोई लॉ तोड़ा है बागी है और दुनिया उसको जो है लान करे तो ये उनकी कोशिश थी मगर उनको ये मालूम नहीं था कि यसुमसी तो नविश्ता के मुताबिक उसको शुमार होना जरूरी था कि वह खताकारों बदकारों के साथ जो है उसका शुमार किया जाए और यह नविता वहां पर पूरा हो रहा है कि उसका शुमार खताकारों के दरमियान बदकारों के दरमियान जो है किया गया हालांकि वो बदकार नहीं था खताकार नहीं था और अपनी मिनिस्ट्री में आप देखिए उसने कहा कि कोई मुझ में गुना साबित करे ये तो दुनिया का गुना और उन खताकारों बदकारों का भी जो दाएं बाएं थे और क्रॉस के सामने जो रोमी यहूदी सिपाही और ठट्टा मारने वाले जो प्रीस का ग्रोह खड़ा था वो सभी जो थे सिनर थे बदकार थे गुनेगार थे उनके लिए यीशु मसीह जो है खताकारों की इस लिस्ट के अंदर शुमार किया गया तो ये नविश्ता के मुताबिक होना जरूरी था ताकि यसो मसीह जो ये साबित किया जाए इस नविश्ते और इस तरतीब से कि यसो मसीह ने खताकारों कि गुनाह को उठाया है तो ये पहली बात का नविता का पूरा होना कि वो बदकारों खताकारों में गिरा गया तो ये मेला फैक्टर जो दाएं बाएं थे एक जो दाई तरफ था और दूसरी तरफ जो था जेस्टस ये बाई तरफ जो डाकू बदकार था तो ये दोनों के बीच में क्राइस्ट का होना ये निविष्ठा के मुताबिक था ना कि उनके प्रोग्राम के मुताबिक के वो यीशु मसीह को इस हद हाँ तक जिल्लत के अंदर जो है देखना चाह रहे थे मगर उनको नहीं मालूम था कि ये निविष्ठा पूरा होना जा रहा है कि वो खताकारों के लिए आया क्योंकि तो पाक था रास्तबाज था और फिर आप के खत के अंदर भी आप पड़ी दीनदारी का भेद जो बड़ा है उसमें लिखा है कि वो में जाहिर हुआ वो में रास्तबाज ठहराया गया वो तो राइसेस और सलीब के ऊपर भी वो अपने बाप हवा से मुखातिब होता है तो गोया ये बाप बेटे का रिश्ता क्रॉस के ऊपर वो पाकिजगी के अंदर है और अपनी जान कुर्बान करने के लिए सलीब के ऊपर खताकारों के अंदर बदकारों के अंदर उसका शुमार किया गया तो जैसा मैंने बताया बाद जगह तो उनके हवाला से लिखा डाकू और बाद जगह पर बदकार तो निविशे के मुताबिक खथाकार तो कथाकार बदकार ये नहाय क्रिमिनल लोग थे उनके बीच यीशु मसीह जो कुर्बान हुआ और आप इस मुकाशवा को और खूबसूरती से जानेंगे उन बदकारों ने तो अपने अपने गुनाह किए मगर यीशु मसीह ने तो सारी दुनिया का गुनाह अपने ऊपर लिया वो खताकारों के अंदर शुमार था उसका अपनी खता अपना गुनाह नहीं था मगर दुनिया की खताएं दुनिया के गुनाह उसने अपने ऊपर ले लिए तो ये उसका एक शुमार हमें मिलता है और फिर जैसा कि पास साइमन ने ये क्वेश्चन किया कि इनरी का जो क्या मतलब है जो कुतबा क्रॉस के ऊपर लगाया गया तो आई एन आर आई जो इनरी का हमें मतलब मिलता है जब आप मरकज की झील में युहना की झील के अंदर लुका की झील के अंदर आप पढ़ते हैं तो वहां लिखा है यहूदियों का बात क्या बादशाह नासरी तो आई एन का मतलब नासरी है और जब आर आई अगला हिस्सा हम पढ़ते हैं तो उसका मतलब है यहूदियों का बादशाह तो आई एसियोस और जो एन नासरी इसका मतलब है और आर आई का जो पास साइमन मतलब है आर का मतलब है और का मतलब है किंग और जो अगला आई है उसका मतलब है युदीन जिसका मतलब है जूस तो ये यहूदियों का बादशाह तो यसुनासरी यहूदियों का बादशाह ये इनरी का आई एन आर आई का जो हमें मतलब मिलता है तो यसुमसी के लिए जो लिखा गया है तो इब्रानी जबान के अंदर यूनानी जबान के अंदर लातीनी ये तीनों लैंग्वेज के अंदर ये लिखा गया था यहूदियों का बादशाह तो वो था यसुनासी यहूदियों का बादशाह तो ये बिदविश्ता हमें उस कुतबे के अंदर पूरा होता मिल रहा है कि यसुमसी यहूदियों का बादशाह और उसने अपनी जान उस मिशन के मुताबिक प्रोग्राम के मुताबिक अजल से वो हिकमत जो क्रॉस के हवाला से थी उस क्रॉस के पीरियड में रोमन दौर के अंदर जहाँ पर यहूदी भी है रोमन भी है यानी गैर में कौम दोनों के लिए यसुमसी मसरूब होने के लिए पर चढ़ा तो ये मुकाशवा बहुत अहमियत का हामिल है कि हमें यसुमसी के शुमार का पता हो जो नमिश्ता के अंदर ताकि वह खताकारों के अंदर शुमार किया गया तो ये उसका शुमार होना यह बताता है कि यसुमसी ने हमारी खताएं अपने ऊपर उठा ली तो जो पहली बात जो डॉक्टर के हवाला से मैं बताना चाहूंगा तो जब क्रॉस के ऊपर ये दो डाकू भी साथ लटके हैं तो एक डाकू ठट्ठे मारने लगा और आगे जो मजमा था वो भी ठट्ठे मारता था उसमें जो सिपाही थे ठट्ठों में मजाक क्राइस का उड़ाते थे कि तू अगर यहूदियों का बात क्या है खुदा का बेटा है मसीह है मसाया है तो अपने आप को बचा और वहां पर जो काहिनों की ग्रोथ इलांतान करते कि तू अपने आप को बचा तो ये हंसी मजाक का ये जो शोर वहां पर बरपा था इबलीस की कोशिश थी कि शोर के अंदर क्राइस्ट नविश्ते कहने ना पाए जो बात वो बरकत देना चाहता है क्रॉस के जरिए से क्राइस्ट उनकी बातों के अंदर उलझ जाए पर मसीह ने अपना फोकस नविश्तों के मुताबिक अपनी जान की कुर्बानी के ऊपर रखा और तकलीफ के अंदर भी वो सब बातों को नोट कर रहा है और उसको मालूम है कि वो मिशन जो पास असाइनमेंट दिया गया क्राइस्ट को वो पूरा करे तो वहां पर एक डाकू जो बाई तरफ था उसने क्राइस्ट का मजाक उड़ाया कि तू खुदा का बेटा है बादशाह है यहूदियों का तो अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा तो जो दाई तरफ का डाकू था उसने उसको डांटा रिव्यू किया उसने कहा तू खुदा से भी नहीं डरता जो अगली बात उस डाकू ने जो दाई तरफ था कही के हम तो अपनी वाजबी सजा पा रहे हैं पारिस ने तो कोई बेजाकाम नहीं किया तो आप यहां से अंदाजा करें कि वो जो दोनों डाकू थे स्लीप के ऊपर एक दूसरे से जो बात कर रहे हैं तो डाकू तो अपने ग्रुप को जानते हैं डाकू एक दूसरे को भी जानते हैं कि मुआशरे के अंदर कौन कौन से क्रिमिनल लोग हैं और इस डाकू का ये कहना कि तू खुदा से भी नहीं डरता इसने तो कोई बेजाकाम नहीं किया तो ये भी उसने एक तस्दीक की कि ये कोई क्रिमिनल नहीं है ये हमारी तरह सजा उठा रहा है हालांकि हमारी सजा वाजबी है यानी उनकी सजा तो सजाए मौत डेथ वहां पर क्रॉस के ऊपर दी जानी है वो कहते वाजबी है पर इसकी सजा वाजबी नहीं पर यसु मसीह जो मसलूब होने के लिए सलीब के ऊपर लटका है इन डाकुओं को भी मालूम नहीं है कि वो दुनिया की सजाएं दुनिया के गुना दुनिया की बीमारियां अपने ऊपर लेकर स्लीप के ऊपर चढ़ा है और यकीन जैसे वो कह रहा है कि हमारी सजा वाजबी है पर यसु मसीह की सजा उनके लिए भी और दुनिया के लिए भी जो दी जा रही है वो ये डाकू को मालूम नहीं है कि यसु मसीह उनके लिए मसलूब होने के लिए आया है और जब ये एक डाकू ने दूसरे से ये बात कही कि तू खुदा से भी नहीं डरता तो इसका मतलब कि जो दाई तरफ का डाकू था उसके अंदर एक खुदा का खौफ पैदा हुआ और उसने वो बात जो पहले नमिश्ता के अंदर ने कही थी, माफी के अवाला से फॉर से उसको भी कंसीडर किया और दूसरी बात जो नमिश्ता उस कुत्तबे के ऊपर लिखा हुआ यह सुनासी यहूदियों का बादशाह तो ये भी उस डाकू ने कंसीडर किया कि ये वाकई ही बादशाह है और उसने क्राइस्ट का किंग मान लिया और उसने ये बात कही कि जब तू अपनी बादशाही के अंदर जाए तो मुझे याद करना तो ये किंगडम के ऊपर वो बिलीव कर गया ईमान ले आया और यूसी ने फौरन उसी वक्त ये कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिर दोस्त में होगा तो पैराडाइज के हवाला से और मीडिएटर के हवाला से इस इसमिश्ते के अंदर और सब्सिट्यूट ये डॉक्टर जो है मैं बताने जा रहा हूं तो गोया पहले मैंने जो नविष्ठा का शुमार होना बदकारों के अंदर आपको बताया और अब उसकी जो डॉक्टरिन ऑफ पैराडाइज और डॉक्टर ऑफ मीडिएटर के हवाला से क्योंकि क्राइस्ट ने ये उसको कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिर दोस्त में होगा तो इसमें डॉक्टर ऑफ मीडिएटर और डॉक्टर ऑफ पैराडाइज के हवाला से मैं तालीम दूंगा और दूसरे क्वेश्चन के अंदर डॉक्टर के हवाला से जिसमें ये नविता में कहा गया कि उसने बहुतों के गुना लिए तो ये तीनों डॉक्टर बिलीवर्स और खादमों के हवाला से मैं ये कहना चाहूंगा कि जब हम नविश्ता कलमा बोलते हैं तो सबसे पहला काम है कि नवितों के अंदर जो क्रॉस का मैसेज है हम उसको डिलीवर करें ताकि लोग जाने कि क्रॉस के ऊपर क्रॉस का मैसेज क्या है और आज के इस क्रॉस के मैसेज के अंदर जो सेकंड सेंस के अंदर इस नविश्ते के अंदर किया जा रहा है डॉक्ट्रेन ऑफ सब्सिट्यूट डॉक्टर ऑफ पैराडाइज और डॉक्टर ऑफ मेडिएटर के हवाला से तो अभी मैं जो डॉक्टर पैराडाइज और डॉक्टर ऑफ मीडिएटर के हवाला से बताऊंगा पास साइमन और पैराडाइज के हवाला से क्योंकि यसु मसीह ने उस डाकू से कहा उस बदकार से जो खतकार था उसको कहा जब वो ईमान ले आया कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा तो आज का भी एक अहम मुकाशवा है आज से मुराद कि यसु मसीह क्रॉस के ऊपर जान कुर्बान करने के बाद जो है आलम अरवा में फिरदौस के हिस्से में जाएगा तो यानी आज ही और डाकू के हवाला से भी आज ही पर जब कहा आज ही तो इसका मतलब कि यसु मसीह ने पहले ही यह फतेह का ऐलान कर दिया कि ये मेरे साथ फिर दोस्त के अंदर होगा यानी यसु मसीह अपनी जान सलीप पर कुर्बान करेगा तो तमाम हुआ का तो एंड में कहा गया पर पहले ही से यह बता दिया कि जो प्रोग्राम के लिए मैं आया हूं उसमें मैं तुझे अब अपने साथ लेकर जाऊंगा तो आज ही मेरे साथ होगा और मसीह मरने के बाद पहले सलीब के ऊपर उसकी क्राइस की डेथ होती है और वो पैराडाइज के अंदर जाता है और डाकू के बाद पहुंचता है इसलिए आज ही मेरे साथ होगा तो मसीह स्लीप के ऊपर अपनी जान कुर्बान करता है और मसीह की कोई हड्डी नहीं तोड़ी गई क्योंकि उसकी डेथ हो गई और युसु अरमतिया ने जाकर जो पिलातूस का मशीर था मसीह की लाश को मांगा फासर साहब और कहा कि हमें की लाश दो तो उसने कहा यसुम जल्दी डेथ होगी यानी यसुम से की मौत पर स्लीपाकया हो गई पर डाकुओं की मौत अभी वाकया नहीं हुई थी और जिनकी मौत वाक्य न हो उनकी हड्डियां घुटनों की तोड़ी जाती हैं ताकि उनकी डेथ हो जाए उनकी लाशें उतार ली जाए क्योंकि अगला दिन जो था वो स्पेशल सब्बत का था जो ईद फसा का स्पेशल सब्बत था और एक तो वीकली सब्बत हफ्ते का होता है पर ये जो स्पेशल सब्बत था ये ईद का जो है स्पेशल सब्बत था इसमें यसु मसीह को स्लिप से उतारना जरूरी था और उन दो डाकुओं को भी पर यसु मसीह की जो स्ली मौत वकूक के अंदर आती है तो यसु मसीह ने अपनी जान कुर्बान की और जो डाकुओं की ये बाद में उनकी हड्डियां तोड़ी गई और यसु मसीह ने कहा कि आज ही यानी मैं भी पैराडाइज में पहुंचता हूं आलम अरबा में और तू भी आज ही मेरे साथ फिर दोस्त में होगा आलम अनसिन वर्ड ऑफ द डिपार्टेड स्पिरिट जिसमें ग्रीक वर्ड वर्ड और एक हिब्रू शियोल जिसका मतलब है आलम अरबा और इनके पोशन फिरदोस और अजाब तो बिलीवर्स यहां पर फरदोस का जो मानी एक तो आलम अरवा के हवाला से पास साइमन मैं बताऊंगा और एक ये मानी भी फिर दोस्त में होगा यानी अटर्नल लाइफ तो आज ही मेरे साथ अबदियत के अंदर अपनी जिंदगी में क्योंकि उसने यही कहा कि अपनी बादशाही में मुझे याद करना तो यसुमसी की बादशाही आलम रवा के फिरदौस की हद हाँ तक नहीं है उसका भी मैं बयान करूंगा उसमें भी उसने जाने को कहा पर फिरदौस का दूसरा मान, माने कि नब्दी बादशाही के अंदर ये जो बदकार था जिसने ईमान लाया तो यसुमसी ने यह वादा किया तो पैराडाइज के हवाला से ये अहम बात बिलीवर असाइनमेंट जो मैंने कहा का हमें पता होना चाहिए तो ये जब हम आलमेरवा की बात करते हैं तो उसमें दो पोशन थे एक पैराडाइज का और एक हेल का एक फिरदौस का और दूसरा अजाब का जो रूहें जो अच्छी हैं या बुरी हैं ये आलबेरवा में जाती हैं तो जो अच्छी रूहें हैं नेक रूहें हैं ये आलमेरवा के फिरदौस के हिस्से में और जो बदकार रूह हैं वो जो अजाब के अंदर जाती जैसे अमीर आदमी की और लाजर की कहानी के अंदर जो लुका की अंजील के अंदर में मिलती है कि लाजर गरीब आदमी अब्राहम की गोद में जाता है फिर दोस में और अमीर आदमी अजाब में हेल में तो ये आलम अबा में दोनों जाते हैं तो यसु मसीह से पहले जितने भी शरीय के जमाना के लोग यहां शरीय से पहले ये फिर दोस के हिस्सा में जाते अब्राहम की गोद में और जो बदकार होते वो अजाब में जाते तो अब्राहम की गोद का मतलब है क्लोज टू अब्राहम यानी जहां अब्राहम है तो ये निशानदेही की जाती है तो और जो फिरदौस का मतलब है ये पीसफुल प्लेस तो यसुम सि ने डाकू से कहा तो आज मेरे साथ फिरदौस में होगा यानी फिरदौस जहां पर अब्राहम है जहां पर तमाम जो टेस्टमेंट के बिलीवर्स वहां पर पहुंचे वहां पर होगा और साथ ही दूसरा मानी भी यही है कि ये अबधी जिंदगी में तू मेरे साथ होगा तो ये प्रॉमिस उसको किया गया और यसुम मसीह को आलम अरवा के इस फरदोस में जाना जरूर था तो बिलीवर्स ये जो पैराडाइज की डॉक्टर है ये पैराडाइज जब यसुम मसीह वहां पर गया तो वहां पर पतिस के खात के अंदर तीसरे बाब में जब आप पढ़ते हैं तो लिखा कि वहां कैदी रूहों में मनादी की तो ये नाफरमान कैदी रूहें जो नूह के वक्त की थी और उनमें जाकर ये मैसेज डिलीवर किया तो गोया पैराडाइज और दूसरा जो अजाब में ना फरमान रूहें थी सब के अंदर ये क्रॉस का मैसेज दिया पर उनकी जजमेंट जो है वो बाइबल मुकदस में शरीयत के ज़माना की शरीयत के मुताबिक और जो शरीयत के बगैर है उनके शरीयत के बगैर जो उनके अपने लॉज थे उनके मुताबिक होगी तो अब्धि तख्त के सामने वाइट थ्रोन के सामने हर एक को खड़ा होना पड़ेगा पर आलम अरबा में जो नाफरमान रूहें थी उनमें जाकर मनादी की तो वहां पर लिखा चौथे पहले पथस्ट के अंदर बिलीवर के मुर्दों को भी इसलिए खुशखबरी सुनाएगी बदन के मुताबिक तो उनका इंसाफ बदन के मुताबिक हो और उनकी रूहें निजात पा जाए अगर वो मसीह के ऊपर ईमान ले आई आलम अरबा के अंदर तो आलम अरबा में जाना था और वो फिर दोस्त का इलाका जो बिलीवर वहां थे फिर क्राइस्ट उन कैदों को अपने साथ ले गया पैराडाइज का जो पोशन है अब ये आलम अलवा के अंदर नहीं है ये फिर दोस् का जो पार्ट है ये तीसरे आसमान पर आलम पाला पर ये चला गया है इसलिए पालू ससुर जब रोया देखता है तो कहता है कि मैंने यकजक रोया में तीसरे आसमान पर फिर दौस में जाकर देखा तो अब फिर जो है ये पैराडाइज आसमान पर है और फिर जब हजार साल बाद से के बाद अबियत शुरू होगी तो नए जरूसलम में वो पैराडाइज होगा तो अब जो आलम बा का पैराडाइज है ये मुंतकिल हो गया तो बिलीवर जो रूहें आज रहलत करती हैं तो ये अब्राहम की गोद में नहीं जाती बल्कि की तरह ये मसीह के पास जाती और साइमन, प्रीचर आज भी कह देते हैं इसकी रूह अब्राहम की गोद में गई है तो अब्राहम की गोद में नहीं ये मसीह से पहले फिर दोस के इलाके में अब्राहम की गोद में जाती है है ये आसमान के ऊपर और ये रूह मसीह के पास ये पहुंचती है अब अब्राहम अब अब के पास नहीं अब अब्राहम अब भी मसीह के पास है तो ये पैराडाइज का जो रेवलेशन हमारे पास होना बड़ा जरूरी था दूसरी बात थिंक करनी है कि आलमिर के उस वक्त लोगों को जो है मनादी सुनने का मौका मिला नहीं। नहीं। पर अब जो गुनाह करते हैं वो जहनम के अंदर ही जाएंगे उनको कोई चांस नहीं है कि वो दोबारा से आलमेल में तोबा करें उनके लिए नहीं ये उस वक्त मसीह के आने से पहले जो लोग थे तो जो फिदौस में आ जाते हैं वो फजल पर मसीह के ब्लड पर ईमान रखते हुए फजल के दौर के अंदर के लोग जो है वो उस फिदौस के अंदर जाते हैं और फिर हमेशा की जिंदगी के अंदर वो दाखिल हो जाते हैं तो ये पैराडाइज का जो डॉक्टर ऑफ पैराडाइज है इसका पता होना चाहिए और इसकी कुंजियां आलमेरवा की लिखा है मुकाशवा की किताब में कि से इब्रिस ने छीन यानी अब आलमेरवा पर इबलीस का इख्तियार नहीं है उनकी रूहें जो आलमेरवा के के इलाके के अंदर थी साइमन और बिलीवर क्राइस्ट अपने साथ ले गया है और फिर यह भी अंजील के अंदर क्राइस्ट ने कहा कि आलमे अरवा के दरवाजे जो है ये कलीसिया के ऊपर गालिब ना आएंगे क्योंकि बिलीवर अब मसीह के पास जाता है आलमेरवा के डोर्स के अंदर नहीं जाता आलम अरवा के उस पोषण के अंदर जहां पर अजाब हेल है वहां पर ही वो जो है नॉन बिलीवर्स जाएंगे पर कलिसिया जो है मसीह के पास जो ईमानदार के आने के बाद अबियत के अंदर तो आलम अरवा का इसके डोर्स का कोई अब कलिसिया के ऊपर नहीं है तो ये जो डॉक्टर पैराडाइज थी और दूसरी बात डॉक्टर के हवाला से क्योंकि यसु मसीह ने बिलीवर्स डाकू को कहा तू आज ही मेरे साथ फिर दोस्त में होगा तो ये मीडिएटर के तौर पर ये दरमियानी के तौर पर यानी यसु मसीह दुनिया और खुदा के दरमियान दरमियानी बनकर सालसी बनकर मेडिएटर बनकर उसने उस डाकू को जो ईमान लाया उसको खुदा से लाया तो यसु मसीह जो नए अहद का दरमियानी है और जब आप नोम बाप इब्रानियों के खत के अंदर बिलीवर्स पास पढ़ते हैं ये नए अहद का दरमियानी है तो पुराने अहद का दरमियानी मोजेज था वो खुदा के साथ यहूदी कौम को मिलाता था तो वो वहां दरमियानी था पर यसुम मसीह जो मीडिएटर है बेटर देन मोजेज क्योंकि ये जो गैर कौमों के लिए भी जो मीडिएटर दरमियानी बन के आया तो सालसी के तौर पर तो यसुम मसीह जो मीडिएटर है तो ये बहुत बड़ा रेवलेशन है कि उस डाकू को जो सलीब पर जो अपनी सजा पाने के लिए आया है यसु मसीह ने उसका दरमिया बानकर उसके लिए अपनी जान को बान करके जो है बाला बालापाल खुदा की हजूर अपनी जिंदगी में उसको ले गया तो यसु मसीह एक मीडिएटर है और दरमिया है और आज भी वो जब जिंदा है और बाप के देने हाथ बैठा है इंटरसेशन करता है तो दरमिया है और जो यसु मसीह को कबूल करते हैं उनको बाप से मिलाता है तो हमें क्रॉस के ऊपर और इस रिश्ते के अंदर हमें पैराडाइज की डॉक्ट्रिन और मेडिएटर की डॉक्ट्रिन मिलती है इसीलिए दरमियानी होने की हैसियत से ड्र तो आज मेरे साथ फिर दोस्त में होगा यानी दरमियानी था सालसी था तो उसने खुदा से सुलह करा दी और वो ईमान भी ले आया और जैसे मैंने बताया कि इब्रानियों के खत में लिखा है कि वो नए अहद का दरमियानी है और फिर इब्रानियों ही के खत के अंदर दूसरे बाप के अंदर लिखा है पाक करने वाला और पाक होने वाला दोनों एक ही असल से तो बताइए कि डाकू का बनाए आलम से अजल से खुदा के प्रोग्राम के अंदर ये पाक होने वाला था खुदा ने उसको पहले से चुन रखा था और स्लीप के ऊपर होली स्पिरिट ने उसके अंदर ये ईमान पैदा किया जिस कदर वहां पर इबलीस हमला कर रहा था क्रॉस के ऊपर और उन सिपाहियों उन जत्थों के अंदर इबलीस की कुतें जो थी वो ताने मार रहे थे वो लोग उसी तरह होली स्पिरिट जो है क्राइस्ट को भी जोर दे रहा है और डाकू ने वहां पर जो है ये ईमान लाकर होली स्प्रिट की वजह से उसने कहा कि जब तू तो अपनी बात चाहिए जाए तो मुझे याद करना तो ये पाक हो गया वहां यसु के खून से ईमान वो ले आया यसु मसीह के ऊपर और दूसरी बात इब्रानियों दूसरे पाप में ये भी लिखा कि वो भाइयों की खातर वो जिसम के अंदर आया है और तो पाक करने वाला पाक होने वाला तो ये डाकू अब वो डाकू नहीं रहा बल्कि उसका भाई तो अपने भाई के लिए उसने अपनी जान स्लीप पर कुर्बान की तो ये दरमियानी है जो अपने भाइयों के लिए आया ताकि भाइयों में आकर अपनी जान स्लीपर कुर्बान कर दे और उसको बचा लिया तो ये मीडिएटर और पैराडाइज के हवाला से ये मुकम्मल मैंने तालीम जो है दी और अब डॉक्टर ऑफ सब्सिट्यूट के हवाला से मैं तालीम देना चाहूंगा जिनाजिन आपने दूसरे कलमे के हवाला से पहले क्वेश्चन का आंसर डिटेल में रेविन डॉक्टर से जाना अब हम अपने दूसरे और आखिरी क्वेश्चन की जाने बढ़ेंगे दूसरे कलमे की निविशा के, के मुताबिक ये साया त्रिपन बाप में लिखा है कि उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए यानी डॉक्टर ऑफ सब्सिट्यूट का मुकाशफा बताएं और खात्मा मुकदसों के लिए इसमें क्या सबक है बिलीवर्स इस कलमे के अंदर दूसरा कलमा जो लुका की जेल में पढ़ा गया और उसका नविता तिरपन बाब बारवीं आयत के अंदर उस नविश्ते के अंदर एक तो पहला कलमा भी उसमें पूरा होता है कि उसने शफायत की मगर उसका जो पहले दो पार्ट हैं उस आयत के वो नविश्ता कि वो खताकारों में शुमार किया गया इसकी वजाहत पहने की और दूसरा जो डॉक्टर ऑफ के हवाला से है कि तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए तो ये गुनाहों का उठाया जाना जो है ये जो डॉक्टर सब्सिट्यूट की हमें भरपूर हमें समझ होनी चाहिए और पास्टर साइमन और ब्लीवर्स ग्रीक वर्ड जो सब्सिट्यूट के हवाला से मिलता है उसमें जिसका मतलब है रिप्लेसमेंट या और एक लफ्स हिब्रू नासा मिलता है तो लिफ्ट और दूसरा मतलब टेक अवे और एक हिब्रू वर्ड हमें पैगा मिलता है जिसका मतलब है लेट यानी लादना और एक उठाया जाना जो मैंने नासा के वर्ड के अंदर और एक रिप्लेसमेंट के अंदर ये वर्ड बताए हैं और जब हम यसाय तिरपन बाप के अंदर ब्रीवर्स और असाइनमेंट पढ़ते हैं तो लिखा है उसकी तहकीर की गई तो ये तहकीर की गई यानी जब उसको शुमार खताकारों में किया गया तो उसकी तहकीर की गई तो वो खताकारों में शुमार हुआ पर अगला जो पोर्शन है कि उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए तो ये जो डॉक्टर सब्सिट्यूट है गुनाह का उठाया जाना तो इसके हवाला से लिखा है तो भी उसने हमारी मशक्कतें उठा ली हमारे गमों को बर्दाश्त किया और फिर यह भी लिखा है कि खुदा ने हमारी बदकरदारी उस पर लाद दी तो गोया ये सब्स्टिट्यूट हमें क्रॉस के ऊपर क्राइस मिल रहा है तो जब डाकू शरीफ के ऊपर लटके हुए हैं और क्राइस ने उन दो डाकुओं के गुनाह भी और दुनिया के गुनाह और वो जो ग्रो सामने खड़ी है क्रॉस के सामने उसके भी गुना उठा लिए हैं और आप ये देखिए कि डाकू जब ये कह रहा है कि जब तू तो अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद करना तो उसे ये भी कहा कि हम तो अपनी भी सजा पाते हैं तो अब इसमें आप मुकाफर सुनिए बिलीवर्स के वो जो दाई तरफ का डाकू था वो अपनी सजा भी पा रहा था पर उसे ये मालूम नहीं है कि उसके गुनाह उसकी सजा भी मसीह ने उठाई हुई है और यही वजह है कि वो डाकू बच गया क्योंकि अगर वो सब्सिट्यूट ना बने तो डाकू बख्शा नहीं जा सकता तो डाकू अपनी वाजबी सजा जो उसको कैपिटल की तरफ से मिल रही है वो भी ले रहा है पर उसका जो क्रिमिनल एक्ट है जो सिर्फ नेचर है और उसके सारे गुनाह जो हैं वो यसुमसी ने उठाए हुए हैं एक्चुअली यसुमसी ने उन दोनों डाकुओं के भी गुना और दुनिया के गुना भी उठाए हुए हैं और जो ईमान लेके आ रहा है डाकू उसका उसकी खता भी उठा ली शुमार भी हुआ उनके दरमियान तो भी उसने उसके गुना भी अपने ऊपर उठाए हुए हैं जो उस डाकू को नहीं मालूम कि यु सुम उसका जो है सब्सिट्यूट है उसकी रिप्लेसमेंट है अब जब हम रिप्लेसमेंट की बात करते हैं उसकी जगह डाकू या कोई गुनाहगार तो कुर्बानी नहीं दे सकता तो जब हम रिप्लेसमेंट के अंदर आएंगे तो यसु मसीह जब कुर्बानी दे रहा है तो इसका ये मतलब हम नहीं लें कि कुर्बान हमें होना चाहिए था तो यसु मसीह हो रहा है वो क़ुरबानी मसीह ही को देनी है पर हम यह कहेंगे कि हमारी रिप्लेसमेंट यानी जो अदालत दा हम पे होनी थी वो अदालत जो है यसु मसीह ने उठा ली तो यसु मसीह ने अदालत भी उठाई अपने बदन में हमारी और कुर्बानी भी दी तो जब हम रिप्लेसमेंट की बात करेंगे तो उसने गुनाह उठाए हैं हमारी कुर्बानी हम कुर्बान नहीं अपने आप को दे सकते थे कि वो हमारी खातिर जब कुर्बान हुआ तो वो वही वो कुर्बान हो सकता है पर उसने जब अदालत उठाई तो वो रिप्लेसमेंट अदालत में हमारी रिप्लेसमेंट जो है आएगी पास। साइमन और बिलीवर्स तो ये जो खताओं का उठाना है बदकरदारी लाद दी तो ये यसु ने बदन के ऊपर हमारे गुनाह उठाए और हमें जब एहबार की किताब में स्केप गोर्ड के हवाले से पढ़ते हैं और उसमें अटोनमेंट की और उसके अंदर सब्सिट्यूट की भी तालीम पाई जाती है जो चौथे कमरे में मैं अटॉइन्टमेंट की मुकम्मल तालीम दूंगा पर यहाँ पर मैं स्केप बोर्ड का इतना बताऊंगा कि एक बड़ा उसके ऊपर हाथ रखकर कर गुनाह शिफ्ट किए जाते थे और उन खताओं को गुनाहों को उठाकर उसको बियाबान में छोड़ आते थे और जबूर एक तीन में यही लिखा है कि जैसे पूरे पश्चिम से दूर है उसी तरह उसने हमारी खताएं जो है दूर फेंक दी तो ये गुनाहों का उठाना ये जजमेंट जो है हमारी खातर जो है हमारी तरफ से है हमारी जगह येसो मसीह ने ले ली और अपनी हमारी अदालत तो उसके ऊपर हुई तो ये रिप्लेसमेंट जो हुआ है और जो उसे गुना को उठाया जाना है तो डाकू का गुना भी उठाया और दूसरे डाकू का भी गुना उठाया और दोनों को नहीं मालूम और ना ही दुनिया को मालूम है कि उनकी खताएं उठाने वाला आ गया हालांकि यहूदियों को जैसा त्रिपन बाप के अंदर ये जानना चाहिए था कि खुदा ने जो है बदकरदारी मसाया के ऊपर डालने की प्रोपसी मौजूद है नविते मौजूद हैं और ये सह तिर बाप का नविता भी मौजूद है पर उनकी अकल बंद थी जैसे आज भी बाजों की अकल बंद है और वो कलाम की तरफ तोजो नहीं देते ना कृषिओं के अंदर रिफाकत रखते हैं ना ही कुर्सी की तालीम का पता है ना ही उनको यसुमसी की दिग्गर जो क्रिस्टोलॉजी के दूसरा इल्म है उनको मालूम है तो वो दुनियादार उन ही की तरह यहूदियों की तरह ही है मगर उनको उस वक्त मालूम होना चाहिए था कि यीशु मसीह मसाया जो आएगा वो जो गुना को उठाएगा वो जो हमारा सब्सिट्यूट बनेगा तो यहां पर यीशु मसीह ने जब ये नवेशता उस डाकू को कहा तो आज ही मेरे साथ फिर दोस्त में होगा तो गोया उसके गुनाह उठा लिए हैं इसलिए उसको कहा कि तू आज मेरे साथ जो है पैराडाइज के अंदर साइमन होगा तो ये के अंदर हमें मिलता है कि जो सुनसी ने उस डाकू के उठाया और दूसरे के भी उठाए हुए थे जिसने रिजेक्ट किया क्योंकि मुकदस के अंदर युना की झील थी से बाप सोलह में बिलीवर्स आया है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया तो ये जो सारी दुनिया के लिए अटोनमेंट है ये सारी दुनिया के गुनाह उठाए सारी दुनिया का वो सब्सटीट्यूट हुआ है पर बाज थी फिर के हैं वो इसको लिमिटेड जो है अटोनमेंट सब्सटीट्यूट के हवाले से ले जाते हैं जिस तरह कैलमिन जो है वो इसको लिमिटेड जो है सब्सटीट्यूट के हवाला से लेके जाते हैं पर परसोमी तो उस डाकू का भी सब्सटीट्यूट था पर वो ईमान ना लाया उसने रिजेक्ट कर दिया जिस तरह जो दिग्ग यहूदियों ने रिजेक्ट किया पर जो ईमान लाता है वो कायम रहता है वो शर्मिंदा नहीं होता तो हमें यहां पर इस दूसरे नविता के अंदर जो डॉक्टर मिल रही है सब्सिट्यूट की तो ये मसीह ने हमारी खताएं हमारे गुनाह उठा लिए हैं वो लेकर उसको दूध फेंक दिया है उसने अपने बदन के ऊपर लेकर हमारी जजमेंट को सहा है और ये डॉक्टर का जानना समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए इसलिए तो पालू ससूल को जब आप पढ़ते हैं तो वो कहता है कि मैं मसीह के साथ मसरूब हुआ अब मैं ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है तो गोया पालू ससूल ने अपनी सजा को अपनी जजमेंट को जो है मसीह में देख लिया तो उसने कहा कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ यानी मेरी जजमेंट हो गई कुर्बानी तो यसु के खून से होगी पालूस के खून से नहीं पर पालूस की जो अदालत है यसु मसीह की अदालत में पूरी हो जाती है तो इनको जो जजमेंट के हवाला सेक्रीफाइस तो के हवाला से इन दोनों का फर्क भी बिलीवर्स और खादमों को बड़ी बारीकी से ताकि जब हम प्रीच करते हैं तो मैं मालूम हो पल उस कहता है कि मैं मसीह के साथ मसरूब हुआ हूं और जिस तरह डाकू के गुनाह उठाए इसी तरह आप ये जानेंगे कि स्लीप के नीचे जहां पर ठट्ठा करने वाले लोग हैं वहां पर रिसाइबल भी खड़े हैं जो जिस मसीह को देख रहे हैं कि उसने अपनी जान स्लीप पर कुर्बान की है फिर मरियम और दीगर जो बहने वो भी उसको सामने थी वो सारा ये मंजर देख रही थी उन रिश्तों को सुन रही थी जो बोले गए और एक स्पेशल शख्स जो था उस क्रॉस वाले दिन वहां पर आया उसका नाम निकोदीमस था और जब यसुम से मिनिस्ट्री करता था तो निकोदीमस ने आकर यसुम से को जो जब कहा कि ये जो मुआवजा तू करता है यकीन तो खुदा की तरफ से करता है तो यसु मसीह ने उसको कहा निको दिमस तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूर है तो उसने कहा कि क्या मैं दोबारा मां के पेट में जाकर पैदा होऊंगा तो यीशु मसीह ने नीको से कहा तुझे रूह और पानी से पैदा होना जरूर है यानी होली स्पिरिट जो है ये कलाम के जरिए से ईमान लाने से जो ईमान पैदा करता है वो नए सिरे से पैदा हो जाता है बोर्न अगेन तो ये मैसेज उसको दिया और फिर साथ उसको एक बियाबान का वाक्य भी बताया उस बियाबान की मिसाल के मुताबिक जिस तरह बलि पे सांप लटकाया गया कि इब्ने आदम जब ऊंचे पे चढ़ाया जाएगा तो बोतों को खींच लेगा यानी गुनाहों को उठा लेगा तो ये वाक्य तो निकोदिमस को उस जो आलम शरा है उसको मालूम था तो निकोदिमस ने इस बात को अपने दिल में रखा और जब ये सुमसी को क्रॉस के ऊपर दे रहे थे जान कुर्बान ये सुमसी कर रहा था तो निकोदिमस नीचे वॉच कर रहा था उस बियाबान की मिसाल के मुताबिक जिस तरह बली पे सांप लटकाया गया तो जब यह सुमसी पर कुर्बान हो रहा था तो वो जो वाक्य था बियाबान का वो पूरा होता निको समझ गया और निको ईमान लाया कि उसके गुनाह यीशु मसीह ने उठा लिए हैं निको के गुनाह उठाए गए डाकू के भी गुनाह उठाए गए सारे उस मजमे के भी सारी दुनिया यीशु मसीह सब सबसे चोट है और ये मेरे लिए आपके लिए बड़ी गुड न्यूज है और पास साइमन आपके लिए मेरे लिए टेम्पल गॉड की क्लिसिया के बिलीवर्स जो ईमान मसीह पे रखते हैं यसुमसी हमारा सबसे चोट है जिस तरह बरे के ऊपर हाथ रख कर गुना शिफ्ट हो जाते थे मेरा आपका गुना यसु ले गया है उसने उठा लिए है वो हमारी खातर जो है रिप्लेस जो है किया गया है और जजमेंट हुई है और ना सिर्फ उसने अदालत की बल्कि हमारी खातर कुर्बानी दी ताकि हम पाक हो जाए हम अपनी कुर्बानी नहीं दे सकते थे और हमारी सजा जजमेंट तो हो सकती थी मगर यसुमसी ने हमारी अदालत भी सही और हमारे लिए खून भी बहाया और हमें बिलीवर्स एक खूबसूरत वाक्य जो अब्राहम के बेटे अजहा के हवाला से मिलता है उसमें यह खूबसूरत जजमेंट की और सेक्रीफाइस की एग्जाम्पल मिलती है कि किस तरीके से जब खुदा ने कहा अब्राहम को के अपने बेटे अजहा को कुर्बान करने के लिए ला तो ये उसको आज़माया गया तो एंड ये स्टोरी आप जानते हैं कि खुदा ने उसको कहा कि हाथ ना बढ़ाओ लड़के को जिब्बा ना कर तो फिर उसने उसको उठाया और उसकी जगह एक मैंडा जो झाड़ियों के अंदर था उसको लेकर मजबा पर उसको जेबा किया तो गोया वो मैंडा रैम जो था वो इजहाक का सब्सिट्यूट बना तो गोया जो इजहाक के वहां पर कुर्बानी होनी थी तो ये प्लेसमेंट वहां पर हुई तो इजहा की कुर्बानी हो ही नहीं सकती थी क्योंकि वो सिंफुल नेचर के अंदर था तो गोया ये आजमाया गया तो उसकी जगह पर जो मैंडा दिया गया तो ये रिप्लेसमेंट ये कुर्बानी का क्राइस के हवाला से ये बताया जा रहा है कि यसु मसीह हम कुर्बानी नहीं दे सकते हमारी रिप्लेसमेंट जो हुई है वो यसु मसीह अपनी जान से पर कुर्बान करके उसने कफारा दिया और हमारे गुनाहों को उठा लिया तो हमारा सब्सिट्यूट ठहरा तो ये जो कलमा दूसरा है इसके अंदर ये जो डॉक्टर मैंने प्रीच की हैं हमें बखूबी पता होना चाहिए कि वो हमारा सब्सिट्यूट है तो डॉक्टर गुनाह का उठाया जाना यसु मसी ने हमारी खताएं उठा ली और खुदा ने हमारी बदकारी उसके ऊपर लाद दी ताकि मैं आप जो है बच जाए अब हमारे गुनाह यसु ले गया है यसु के खून से और उसके जजमेंट से मैं आप बिलीवर जो मसीह पर ईमान लाते हैं रायचिस है पाक है और टेम्पल गॉड क्लीसिया के बिलीवर्स खादम इन मुकाशवा को समझते हैं और पाकिजगी रास्ते बाजी में खुदा की इबादत करते हैं और शुक्र करते हैं कि जिस उन्सी ने अपनी जान सिर्फ पर कुर्बान की और नविश्ता का भेद ये हम पर खोला गया है कि उसने हमारी खताएं हमारी मशक्तें उठा ली हमारी बीमारियाँ उठा ली और हमें रिलीज कर दिया है तो गोया डाकू को भी वहाँ पर रिलीज किया गया उसका सबसे चूट बना सारी दुनिया का वो सबसे चूट है तो आप ये जान लें कि जिस तरह पीतल के मसबहत के ऊपर बड़ा सब्सिट्यूट के ऊपर आता था उसकी भी जजमेंट होती थी और लाने वाले का वो इफ्जी बनता था तो यसु मुसी हमारा इफ्जी बना है और उसने इफ्जी बनकर हमारी खताएं हमारे गुनाह हमारी बीमारियां उठा ली हैं और हमें बचा लिया है तो स्लीपर दूसरा ये कलमा ये नमिशता हमारे ऊपर भेद खोलता है कि यसु मुसी ने हमारे गुनाह उठा लिए और उस डाकू के भी उठा लिए और उसको फिर दोस्त में ले गया मेडिएटर के तौर तो पर इसलिए वो मेरा आपका मीडिएटर भी है उसने हमारे लिए अब दी पैराडाइज का दरवाजा खोल दिया है और हमारा है हमारी खताएं ले गया है इस पर हम ईमान ले आए और अगला एक और खूबसूरत पोशन में सिटी ऑफ रेफ्यूज के हवाला से बताना चाहूंगा कि किस तरीके से वो ईमान ले आया डाकू और वो भाग कर पना के शहर में छिप गया बसमन ये खूबसूरत जो डॉक्टर सब्सिट्यूट थी और इसी में हमें सिटी ऑफ रिफ्यूज का भी रेवल्यूशन मिलता है कि वो हमारा पनाह का शहर है और जो जू जानते थे और कि किस तरीके से पनाह के शहरों की तालीम थी कि अगर किसी से कोई सेवन कत्ल हो जाए तो वो भाग कर उन पनाह के शहरों में छिप जाता था अपनी जान बचाता था और वहां तब तक आजाद रहता था जब तक उसका जसीन हो या हाई प्रिस्ट वहां का उस दौर का मर जाए तो वो फिर रिलीज हो जाता था अब यहां पर क्रॉस के ऊपर हाई ये सुमसी लटका हुआ है, वो अपनी जान को बांध करने जा रहा है उसकी डेथ होने को है तो डाकू को ये मालूम नहीं है तो डाकू जब उस पर ईमान लाया तो गोया वो पनाह के शहर में छिप गया है और उसको ये भी मालूम नहीं है कि ये भी हाई प्रीस मरने को है और मैं रिलीज हो जाऊंगा यूसुमसी ने उसको इसी ये कह दिया कि आज तू मेरे साथ फिर दोस्त में होगा क्योंकि वो पना के शहर में आ गया है तू मेरा किला मेरे छिपने की जगह मेरा ऊंचा बुर्ज है तो गोया ये के उपर, जो हाई टावर है ऊंचा बुर्ज है किला है यीशु मसीह वो सिटी ऑफ रिफ्यूज है डाकू ने इसमें पना ले ली भाग कर गोया एकदम से उसके पास जो चंद घंटे थे और उसके अंदर उसने अपनी जान को जो है उसमें छिपकर बचा लिया और जब हाई प्रिंस की डेथ होती है तो वो जो पनाह के शहरों में छिपे होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं तो जब यसुमसी हाई प्रिंस की डेथ होती है तो ये कन्फर्म हो जाता है कि पनाह का के अंदर छिपने वाला वो डाकू जो है नजात पा गया इसी तरह मैं आप यसुमसी की डेथ से उसमें छिपे हुए जो है निजात पा गए हैं तो ये सिटी ऑफ रिफ्यूज की तालीम है और यसु मसीह में अबदी जिंदगी पाने के लिए हम भागे जा रहे हैं ताकि इस दुनिया से निकल जाएं और होली प्लेस यहां पर उसने हमें पनाह की जगह दी है कलिसियाओं के अंदर जैसे टेम्पल गॉड की कलिसिया दीगर कलिसियाँ खादम अपनी कलिसियाओं के अंदर ये होली प्लेस है जहां पर हम छिप जाते हैं यसु मसीह में और यसु मसीह में ईमान ले आए हैं कि हमारा हाई प्रीस की डेथ हो गई और हम रिलीज हो चुके हैं और आसमान की बादशाही के अंदर दौड़े हुए जा रहे हैं तो यसु मसीह में वो डाकू जो है वो दी जिंदगी पा गया और फिर आप ईमान के हवाले से भी देखिए कि रूमियो के, के में लिखा है जो यसु मसीह पर ईमान लाता है वो शर्मिंदा ना होगा ईमान सुनने से पैदा होता सुनना मसीह के कलाम से तो बिलीवर्स ये डाकू उसने कलाम को सुना माफी को सुना क्रॉस के ऊपर और वह ईमान लेसुमसी बादशाह है वो चेटान है जिसके ऊपर वो आ जाएगा तो कायम रहेगा और ये जब हम ये सारे अट्ठाईसवें भाग में लिखे हैं तो वहां लिखा है कि वो हमारा टेस्टेड स्टोन है आजमुदा पत्थर है कॉर्नर स्टोन है रिजेक्टेड स्टोन है तो गोया दूसरे डाकू के लिए रिजेक्टेड स्टोन उसे रिजेक्ट कर दिया पर ये डाकू जो है ईमान ले आया ये कभी शर्मिंदा नहीं होगा और उसके ऊपर तबक्कल किया तो ये क्रॉस के ऊपर जो सेकंड सेकेंड ये निविशता हमें बताता है कि वो हमारा सब्सिट्यूट वो हमारी रॉक है हमारी चट्टान है और डाकू ने उसके ऊपर अपनी जिंदगी को बचा लिया ईमान ले आकर जिसका मैं आप जो यीशु मसीह पर ईमान ले आए वो हमारा पैट्रा है हमारी रॉक है हमारी चट्टान है और ईमान लाने वाले कभी शर्मिंदा ना होंगे तो वो डाकू उसी रिफ्यूज में भी चला गया आसमान की बादशाही फिर दोस्त के अंदर चला गया यीशु मसीह का मीडिएटर बना सब्स्टिट्यूट बना मेरा आपका यसु उसका भाई बना मेरा आपका भाई बना मैं पाक करने वाला बना हमें प्री डिस्टाइन उसने पहले ही से चुन रखा था और हम ईमान लाकर उसकी खिदमत को कर रहे हैं उसकी वर्शिप कर रहे हैं इसी पास और बिलीवर्स जब इस दुनिया के अंदर है जो आने वाला है हम याद रखे कि हमारे गुना उठा लिए गए हैं वो हमारा मीडिएटर है वो हमारा बड़ा भाई है हम लाइक तरीके से उसकी वर्शिप करें इबादत करें फेलोशिप रखें उसके साथ चलें, कलाम को पढ़ें, सच्चाइयों को जानें और अपनी गवाही ठीक रखें गवाही देने वाले बन जाएं। तो पासस्ट जब दूसरे डाकू को देखते हैं जिसने रिजेक्ट किया है इस टेस्ट स्टोन को क्राइस को स्टोन को और दुनिया के वो लोग तो लिखा है कि जो इस पत्थर पर गिरेगा वो पीस डाला जाएगा तो गोया व्हाइट जोन के सामने ये डाकू भी और दूसरा डाकू भी दोनों ही खड़े होंगे और इस डाकू को जो उसको बचा लिया गया जो ईमान ले आया क्राइस्ट के कह मेरे बाप के मुबारक लोग उसमें वो डाकू भी जिसने ईमान लाया चट्टान के ऊपर खड़ा हुआ वो अब अपनी बादशाही में जाएगा जिसको क्रॉस के ऊपर फिर दोस्त में ले लिया गया था तो गोया खुदा ने जब कहा तो आज मेरे साथ फिर दोस्त में होगा तो गोया वो वाइट थ्रोन के सामने भी सरख्रू होगा और अपनी जिंदगी के अंदर हमेशा के लिए दाखिल हो जाएगा तो अब एक बात जो मैं इसमें बताना चाहूंगा जिस तरह आपने कहा खादों के लिए क्या सबक है तो ये सबक सुनिए बाइबल में लिखा कि बहुत से अवल आखिर हो जाएंगे और आखिर अवल हो जाएंगे उस दौर के हन्ना काइफा हाई प्रीस वो आखिर हो गए वो ईमान ना लाए वो अवल थे कलाम था वो इस मरतबा के ऊपर थे पर ये जो मरने के करीब था लास्ट लम्हा था उसके ऊपर ये अवल हो गया तो गोया अवल आखिर हो जाएंगे आखिर अवल हो जाएंगे तो गोया जो ईमान लाएगा किसी भी स्टेज के ऊपर वो कायम रह जाएगा तो बिलीवर पास साइमन सबको है खादों के लिए कलिसों के लिए कि हमें अवल ही रहना है और कभी भी आखिर होने ना पाए और अपने सबसे जो हमारा दहिंदा सेवियर हमारा मेडिएटर है जिसने अपनी जिंदगी हमें अटर्नल लाइफ दी है अपनी बादशाही पैराडाइज के डोर खोल दिए हैं जिसके उपराल में बाकी दरवाजे गालब ना आएंगे हम कायम रहें उसकी इबादत करें और प्रस्तृत करें तो गोया ये डाकू हमें पहला आदमी स्लीप के ऊपर मिलता है जो निजात पा गया इसके अलावा निको दिमस ने भी निजात पाई उस सूबेदार ने भी जो है स्लीप के सामने ईमान ले आया पर जो हमें मिलता है पहला शख्स क्रॉस के ऊपर जिसका मीडिएटर क्राइस्ट बना उसको क्रॉस के ऊपर जान कुर्बान करते वक्त उसके साथ लटका हुआ है उसके साथ शुमार किया गया है उसकी खताएं और दुनिया की खताएं ले गया हमें खुदा का शुक्र करना चाहिए इस अब जी जिंदगी के लिए और इस बात के लिए भी कि हमारी रिप्लेसमेंट में हमारा क्राइस्ट आया है हमारी कुर्बानी देने के लिए आया है हमारे गुनाह उठाने के लिए आया है जिस तरह उसने डाकू को कहा तो आज मेरे साथ फिर दोस्त में होगा हम भी ईमान ले आए हैं और उसके साथ अब दी बाह में अबदरबाद उसके साथ रहेंगे सो बिलीवर्स और पास साइमन और दुनिया के बिलीवर्स के साथ ये मिलकर रिजॉयसिंग टाइम के अंदर क्रिस्टोलॉजी की इस तालीम को समझता हुआ सेकंड सेइंग को इस राइटिंग को नविते को समझता हुआ ये कहूंगा दाऊद की तरह ऐ खुदा मुझे अपने फरमान की राह पर ले चल क्योंकि इसी में मेरी खुशी है यू जिनाजिन उम्मीद है कि आज की क्रिस्टोलॉजी की ये सेकंड एपिसोड जो कि दूसरे कलमा और नविता के हवाला से थी इसकी डीप टीचिंग को आपने रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन से हासिल किया और आज हमने इस दूसरे कलमे के हवाला से जाना फिर दो की डॉक्टर मीडिएटर की डॉक्टर और इसी तरह डॉक्टर के हवाला से तालीम को हमने हासिल किया आप इस तालीम को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें ना आप टेम्पल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं और आजकल रेवन डॉक्टर विल्सन कामरण न्यू सीरीज को दे रहे हैं जो कि व्हाइट थ्रोन के हवाले से जिससे लोग बरकत को हासिल कर रहे हैं और संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे है आप भी आए दूसरों को भी लाएं ताकि हम सब मिलकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें इसी तरह बुध के रोज 7 से 9 बजे टेंपल ऑफ गॉड चर्च बैतलम चौक बहार कॉलोनी को आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें बाइबल स्टडी रेवन डॉक्टर विल्सन कामरण दे रहे हैं और आजकल यर्मिया किताब की, की तालीम दी जा रही है और दूसरी क्लिसों से भी खादम इसको ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं सो आप बाइबल स्टडी को ज्वाइन कर सकते हैं नाजिन अगले जुमा ठीक आठ बजे इसी वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशफात और भेदों से भरपूर होगा तब तक के लिए इजाजत दीजिए गॉड ब्लस गॉड ब्लस पाकिस्तान